साड़ी की खूबसूरती तब सबसे ज्यादा निखर के आती है व्हेन इट इज पेयर्ड विद अ राइट ब्लाउज, जो कि साड़ी के कलर, स्टाइल एंड फैब्रिक के साथ भी मिक्स एंड मैच हो जाए। एक इशू तो हर लेडीज फेस करती हैं जब भी वो अपने लिए कोई साड़ी पहनना चाहती हैं और उसके साथ कैसे ब्लाउज को मैच करे वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता है कि आप नई साड़ी खरीद के लाओ और फिर उसके साथ उसके ब्लाउज को मैच करो। तो इसलिए कुछ ब्लाउज के पीसेस ऐसे अपने पास होने चाहिए जो इंस्टेंटली आप किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच कर पाओ। तो आज का वीडियो एक इजी गाइड होने वाला है कि आप किस तरीके की साड़ी के साथ किस तरीके के ब्लाउज को मिक्स एंड मैच करें जो और भी ना लगे और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज सुरभि और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि किस टाइप की साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज पेयर करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्क की साड़ी की, क्योंकि सिल्क की साड़ी के साथ ब्लाउज को मैच करना सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। तो उसके साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि किस टाइप की फैब्रिक सिल्क की साड़ी के साथ जाएगी। पर आप कहोगे कि सिल्क की साड़ी के साथ तो उसका ब्लाउज आता है तो फिर हमें इतनी माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। बट एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि सिल्क की साड़ी जो होती है वो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। बट आप मोस्टली सिल्क की साड़ी जब आप परचेज करोगे या परचेज करने जाते हो तब आप उसकी ब्लाउज पे ध्यान देना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर कलर की होती है जो पूरी साड़ी की कलर होती है, जो उतना ज्यादा निखर के नहीं आता है और साड़ी भी उतनी ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करती है। अगर आप सिमिलर साड़ी को कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ पहनोगे तो उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए सिल्क की साड़ी के ब्लाउजेस पर्सनली मैं नहीं बनवाती हूँ, मैं अलग से फैब्रिक लेकर के बनवाना ज्यादा पसंद करती हूँ। जैसे मेरे पास ये येलो कलर की साड़ी है जो मैं यहाँ पिक्चर लगा रही हूँ, आप उसे देख पा रहे होंगे, इसका ब्लाउज भी बिल्कुल सिमिलर ही था। बट आप सोच सकते हो कि इसके साथ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, बट मैंने इसे पेयर किया पिंक कलर की कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ। तो अब देखो इस साड़ी की खूबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ गई। बस मैं यही पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी कि सिल्क की साड़ी के साथ आप हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज ट्राई करो, वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट एंड बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है। बस सिल्क की साड़ी के लिए ब्लाउज पेयर करते समय ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ब्लाउज का जो फैब्रिक हो उसमें थोड़ा सा शाइन हो, मतलब बिल्कुल ही डल सा या कॉटन फैब्रिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिल्क में थोड़ी सी शाइन होती है और अगर उसके साथ अगर ब्लाउज आप पेयर कर रहे हो अगर वो शाइनी नहीं होगा तो वो उतना अच्छा नहीं जाएगा। एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है सिल्क की साड़ी के साथ। स्पेशली अगर आप कोई साउथ इंडियन वेडिंग देखोगे तो आप इस तरीके की कॉन्ट्रास्ट बहुत ही इजिली क्रिएट कर सकते हो विद शाइनी फैब्रिक और एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब बात कर लेते हैं शिफॉन साड़ीज की। तो शिफॉन साड़ीज के साथ भी आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। शिफॉन की साड़ी वैसे भी वाइब्रेंट कलर्स में आती है तो आप उसके साथ कोई ब्रोकेड की ब्लाउज ले लो या फिर सैटिन की ब्लाउज, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसके साथ। तो आप इस तरीके की फैब्रिक और कलर कंबाइन करके बहुत ही खूबसूरत सा पीस अपने लिए तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पेयर किया है येलो कलर की शिफॉन साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज को, ये ब्रोकेड का ब्लाउज है विच आई हैव परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ये साड़ी जो है इसके साथ पहले येलो कलर का ही ब्लाउज था बट मैंने थोड़ा सा डिच किया, मैंने सोचा कि अब क्या ही एक ही टाइप का लुक हर बार क्रिएट किया जाए, मैंने सोचा इसके साथ ग्रीन कॉन्ट्रास्ट करके देखती हूँ एंड सच में बहुत ही अच्छा स्टैंड आउट किया। चाहो तो येलो के साथ पर्पल कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये ध्यान रखना कि शिफॉन की साड़ी जो होती है ना थोड़ी सी पतली होती है तो बहुत ज्यादा हैवी फैब्रिक या फिर कॉटन फैब्रिक के ब्लाउज के लिए मत पेयर करना, क्योंकि वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। बट शिफॉन की ब्लाउज के साथ या फिर ब्रोकेड की ब्लाउज के साथ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास कोई प्लेन शिफॉन की साड़ी है तो आप उसके साथ प्रिंटेड ब्लाउज भी पेयर कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप इस तरीके के मिक्स मैच करके जरूर देखो, एक नया लुक हमेशा आपको तैयार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि प्लेन साड़ी के साथ हम कैसे ब्लाउज को पेयर करें। प्लेन साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना सबसे ज्यादा मजेदार होता है, क्योंकि आप प्लेन साड़ी को बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, बहुत ज्यादा वर्सिटैलिटी होती है। इसलिए प्लेन साड़ी अपने वार्डरोब में आप जरूर रखो, हर बार आप एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, मैंने अपने चैनल पे स्टिच ब्लाउज के डिजाइन भी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं 3-4 पार्ट में, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन पर टैग कर दूंगी, आपको बहुत ही यूनिक एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत डिजाइन देखने को मिलेंगे। तो वापस आते हैं प्लेन साड़ी पे। तो अगर आपके पास कोई प्लेन साड़ी है जैसे शिफॉन की साड़ी होती है तो उसके साथ आप प्रिंटेड तो पेयर कर ही सकते हो, उसके साथ आप एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पेयर कर सकते हो, उसके साथ चाहो तो आप टाई एंड डाई प्रिंट के ब्लाउजेस पेयर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ब्लॉक प्रिंट्स, इकट प्रिंट्स, इतने सारे ऑप्शंस है ना, आप जैसे चाहो अपनी साड़ी को स्टाइल कर सकते हो और सारे ही बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉटन साड़ी की। आजकल कॉटन साड़ी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली यंगस्टर भी बहुत ज्यादा आजकल स्टाइल करते हैं। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है इंडिगो प्रिंट्स और भी बहुत सारे प्रिंट्स, इकट प्रिंट्स वगैरह को कैरी करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली वर्क प्लेस पे कॉटन साड़ी
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड जो भी वर्किंग होती है वो प्रेफर भी करती है कॉटन साड़ी पहनना। तो वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी ब्लाउज सेलेक्ट करनी चाहिए जो उतना रिवीलिंग भी ना हो या फिर बहुत ज्यादा लाउड टैकी भी ना हो, तो मैं उसके लिए आपको एक दो ऑप्शन बताती हूँ। जैसे मेरे पास ये बहुत ही प्यारी सी कॉटन साड़ी है, इसमें कुछ इंडिगो कलर्स हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है विद बॉर्डर्स। तो इस साड़ी के साथ आप इंडिगो ब्लाउज पेयर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। जैसे आप कॉटन प्रिंटेड साड़ी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा बंद गले का ब्लाउज बनवा सकते हो, ये 21 प्रिंट में है। तो वर्क प्लेस पे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत तो लगती ही है, साथ में बहुत ज्यादा एलिगेंट भी लगती है। और इसके बैक में चाहो तो इस तरीके से नेक दिलवा सकते हो या फिर मत भी दिलवाओ, आपकी मर्जी, आपको कितना रिवीलिंग पहनना है इट्स ऑल अप टू यू। बट इस तरीके की बंद गले वाली ब्लाउज आपको कॉटन साड़ीज के साथ बहुत ही ज्यादा एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड लगती है। इसके साथ ही आप टाई एंड डाई वाले ब्लाउजेस भी इसके साथ पेयर कर सकते हो, वो भी इक्वली अच्छी लगती है। फाइनली बात कर लेते हैं एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के साथ हम कैसे ब्लाउज को पेयर करें। तो एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी तो पहले से बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो उसके साथ हैवी ब्लाउज को पेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि गोल्डन में जो बिल्कुल प्लेन सी ब्लाउज आती है ना मार्केट में, थोड़ी सी शिमरी होती है, आप उस तरीके की स्टिच करवा सकते हो अपने लिए। अगर उसके बॉर्डर्स या फिर उस साड़ी में कुछ गोल्ड का हिंट है देन गो विद गोल्डन ब्लाउज, या फिर अगर कुछ सिल्वर का हिंट है देन गो विद सिल्वर ब्लाउज। बट अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा हैवी ब्लाउज हो तो आप जरी वाले ब्लाउज को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शटल वर्क होता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगती है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे।